वेलकम गाइस, आप हमारी गार्डन पॉइंट पर और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे खूबसूरत प्लांट की जो आपके गार्डन के कलेक्शन में ज़रूर होना चाहिए। बात कर रही हूँ वेरीगेटेड सेट प्लांट की। रेगुलर सेट प्लांट हम सभी के पास पाया जाता है। कुछ लोग इसको खूबसूरती की वजह से रखते हैं और कुछ लोग इसको लक की वजह से रखते हैं, लेकिन अगर आप एक रेयर प्लांट अपने गार्डन में रखना चाहते हैं, ज़्यादातर प्लांट्स लवर को अगर चॉइस दी जाती है कि आप वो रेगुलर सेट प्लांट को रखना पसंद करेंगे या वेरीगेटेड सेट प्लांट को, तो वो वेरीगेटेड सेट प्लांट को चूज़ करते हैं। उसके जो वाइब्रेंट और स्टनिंग कलर होते हैं वो आपके गार्डन को एक अलग लुक देते हैं। आप उसकी कॉर्नर में इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं कि वो कॉर्नर आपके गार्डन में लाइमलाइट लेकर आएगा, हर एक आने जाने वाले को अट्रैक्ट करेगा। तो आप अपने गार्डन में अगर कुछ यूनिक क्वालिटी लेना चाहते हैं तो वेरीगेटेड सेट प्लांट को ज़रूर रखिएगा। सिर्फ इसकी खूबसूरती की वजह से नहीं, बल्कि ये रेगुलर जेड प्लांट से कम केयर भी मांगता है। एक बार गार्डन में लेकर आते हैं, पानी देना भूल जाते हैं, प्रूनिंग की इसको ज़रूरत नहीं होती है, बहुत ज़्यादा खाद की इसको ज़रूरत नहीं होती है। बस आप लाइए और रख दीजिए, ये ऑटोमेटिकली बढ़ता रहता है। खूबसूरती अलग है, यूनिक क्वालिटी अलग है। जो पत्ते होते हैं जो वाइट, क्रीम और पिंक कलर का जो शेड लेकर आते हैं वो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बट केयर भी बहुत कम मांगते हैं। और बाकी सब प्लांट्स की तरह रूट रॉट होने के जो चांसेस होते हैं वो इनमें बहुत कम होते हैं। ये मैंने इसकी कुछ खास बात आपको बताई है, साथ ही मैं आपको इसकी कुछ बेसिक्स जो नीड्स होती हैं वो भी बताकर चलती हूँ। अगर लाइट की बात करें तो अगर इन पर डायरेक्ट ब्राइट लाइट पड़ती है तो इनकी जो पत्तियों के जो कलर होते हैं वो बहुत खूबसूरत हो जाते हैं, उसमें बहुत वाइब्रेंट कलर निकल कर सामने आता है। लेकिन जैसे कि रेनी सीजन में क्लाउडी डेज होते हैं, लाइट कम हो जाती है, तो ऐसे टाइम पर इनकी जो लीव्स के जो कलर होते हैं वो थोड़े से डल हो जाते हैं। ऐसे में आप अगर इनको ग्रो लाइट में रख देते हैं तो वापस से ये अपने कलर में आ जाते हैं। पानी की बात करें तो सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है, पानी की बहुत कम ज़रूरत होती है। अगर बहुत ज़्यादा पानी देंगे, एक दो बारिश हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप कंटिन्यूटी पर इसे बारिश में रख देते हैं तो रूट रॉट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मैं अपने इन्हीं सभी जो आप मेरे गार्डन में देख रहे हैं ये सब मैंने हैंगिंग में लगाए हुए हैं और काफ़ी पुराने हो गए हैं। एक प्लांट लेकर आई थी, उसी से कटिंग करते करते ये मैंने 6-7 बास्केट इसकी तैयार कर ली हैं। तो ये बास्केट्स अभी जैसे कि मेरे प्लांट देखिए काफ़ी लंबे हो रहे हैं, तो मुझे अभी इनकी प्रूनिंग की भी ज़रूरत है और इनका सीज़न भी चल रहा है। इस टाइम पे मैं प्रूनिंग करती हूँ और इनकी कटिंग लगा लेती हूँ तो मेरे पे नए पॉट भी रेडी हो जाएंगे। मुझे इनकी प्रूनिंग किए हुए कई साल हो गए हैं तो अब इनकी प्रूनिंग की ज़रूरत हो रही है। अगर आप प्रूनिंग कर देते हैं तो एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में आ जाते हैं, बहुत जल्दी से लंबे नहीं होते हैं, बस ये अपने गोलाई में फैलते रहेंगे और कॉम्पैक्ट फॉर्म में होकर आपके गार्डन को खूबसूरत लुक देते रहेंगे। बहुत ज़्यादा आपको इसकी प्रूनिंग पर मेहनत नहीं करनी पड़ने की, बहुत ज़्यादा शेप देने की ज़रूरत इसको नहीं होती है, बस स्लो ग्रोइंग होते हैं, इसीलिए इसकी क्वालिटी यूनिक होती है। ऐसा नहीं है कि आप लाएंगे तो हज़ार एकदम से बन जाएंगे, बिल्कुल नहीं, बहुत स्लो ग्रोइंग होते हैं। एक बार प्लांट लेकर आएंगे तो 1 से 2, 4, 5, 10 होने में थोड़ा टाइम तो लेते ही हैं और अपनी थोड़ी वैल्यू भी दिखाकर चलते हैं। मिट्टी की बात करें तो मिट्टी बाकी सभी सकुलेंट्स की तरह इसकी भी वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा मिट्टी गीली होगी तो रूट रॉट हो जाएगा। पॉट की बात करते हैं तो पॉट भी इसके हमेशा ध्यान रखिएगा कि छोटे पॉट में लगाइए। आप मेरी हैंगिंग देख रहे हैं तो ना तो ये गहराई में बहुत ज़्यादा है और ना ही चौड़ाई में बहुत ज़्यादा है, तो इसमें मिट्टी कम है और बहुत आराम से ये इसमें ग्रो होते रहते हैं। आज तक भी इसमें से एक भी प्लांट मेरा रूट रॉट नहीं हुआ है। मैं पानी कम देकर चलती हूँ, गर्मी में तो पानी कितना भी दे दीजिए वो सूख जाता है, इतनी तेज़ हीट होती है, वो सब का सब एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन रेनी सीज़न में ह्यूमिडिटी ही इतनी ज़्यादा होती है तो रेनी सीज़न में मैं इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालती हूँ। महीने में एक बार मैं इनमें फर्टिलाइज़र डालती हूँ, लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ, उसी में फंगीसाइड मिक्स करती हूँ, वही पानी मेरे इन प्लांट्स में जाता है। इसके अलावा मैं इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं देती हूँ और वो पानी भी मैं लिक्विड भी जब बारिश होती है तो उसका पानी कलेक्ट करके उसमें मैं अपना फर्टिलाइज़र ऐड करती हूँ और फंगीसाइड ऐड करती हूँ। इसमें पेस्ट अटैक बहुत कम होता है और इसमें मिली बग्स है या स्पाइडर माइट्स है, यही एक दो जो प्रॉब्लम इसमें आ सकती हैं, उसके लिए आप किसी भी फंगीसाइड को यूज़ कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, या फिर जैसे मैंने बताया आप घोलकर महीने में एक बार इनकी जड़ों में दे सकते हैं। इसके लिए मैं साफ का फंगीसाइड यूज़ करती हूँ, आपकी चॉइस है, आपके पास जो भी फंगीसाइड है आप वो यूज़ करिए। तो ये आज के कुछ केयर टिप्स थे वेरीगेटेड जेड प्लांट को लेकर, रेनी सीजन में हमें उसकी कैसे केयर करनी चाहिए। अगर आप सही तरीके से उसकी केयर करते हैं तो एक ब्यूटीफुल एडिशन जो होता है आपके गार्डन में बना रहता है।
अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो आप इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि मैं ऐसे ही कुछ छोटे छोटे से यूज़फुल टिप्स स्पेशली सक्कुलेंट्स को लेकर अपने चैनल पर डालती रहती हूँ, तो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इस रेनी सीजन में भी आप अपने सक्कुलेंट्स को उसी तरीके से हेल्दी रख सकते हैं, और वो कैसे वो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक गाइज बाय।